मेवात जिले में प्रशासनिक उपेक्षा के कारण ऐतिहासिक धरोहर मिटती जा रही हैं। पुरातत्व विभाग का भी मेवात की धरोहर को संजोए रखने पर खास ध्यान नहीं है। जिले में राजाओं की अनेक राजस्थानी व ऐतिहासिक शहर मौजूद हैं, जिनमें मुगल काल से पहले व पात के शानदार नक्काशी से सजे खूबसूरत महल, पावड़ी, मंदिर, मस्जिद आदि मौजूद हैं। ऐतिहासिक इमारतों को समय रहते बचाया नहीं गया तो मेवात का गंगा जमुनी तहजीब का अंत हो जाएगा, जिससे आने वाली पीढ़ी दंत कथा तक सिमट कर रह जाएगी। जिले के पिनगवां कस्बे में राजा नल के महल, बावड़ी, मकबरा, कुआं जर्जर हालत में हो चुके हैं, जो मेवात की एकता, अखंडता व गौरवशाली इतिहास को बयां कर रही है। जिले की कुछ ऐतिहासिक धरोहरों को पुरातत्व विभाग ने अपने कब्जे में लिया है, उनको बचाने के लिए भी खास कदम आज तक नहीं उठाए गए हैं। बता दें, इसके अलावा आधा दर्जन इमारतें आज भी लावारिस हालत में खंडर होने के कगार पर पहुंच चुकी हैं। जिले के ग्रामीण व समाज सेवियों ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि मेवात आंचल का गौरवशाली इतिहास रहा है। यहाँ अनेक राजाओं ने राज किया, लेकिन हिंदू मुसलमानों में कभी बवाल नहीं हुआ। ऐतिहासिक इमारतों से पूरे मेवात भरा हुआ है, इसलिए सरकार को मेवात के बुजुर्गों द्वारा बनाई गई इमारतों को बचाने के लिए कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, जिससे आने वाली युवा पीढ़ी व पहाड़ से आने जाने वाले लोग मेवात के इतिहास को समझ सकें। नीति आयोग की पिछड़ेपन की मोहर न केवल व्यवस्था की पोल खोल कर रखती है, बल्कि बता दें, कुल मिलाकर मेवात का इतिहास गौरवशाली है। यहाँ के वीर सपूतों ने न केवल मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दीं, बल्कि मेवात इलाके के ऐतिहासिक स्थल आज भी इसके गौरवशाली इतिहास की गाथा सुना रहे हैं। भाजपा सरकार अगर इन्हें ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को अगर पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करती है, तो इलाके के लोग विकास से लेकर यहाँ के इतिहास की दुनिया साक्षी बनेगी। सरकार को यहाँ से अच्छा खासा राजस्व भी मिल सकता है। आप देख रहे हैं मेवात सिटी न्यूज से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पिनगवा का इतिहास बहुत पुराना है। ये पहले राजा नल की नगरी हुआ करता था। राजा नल ने यहाँ पर बहुत सारे बावड़ी वगैरह, कई गुम्बद इस तरीके से बनवाए थे, और ये एक विकसित पुराना राज्य हुआ करता था। पर लेकिन आज हमारी सरकार की अनदेखी के कारण, प्रशासन की अंधेरी के कारण बावड़ियाँ अपना रूप खो चुकी हैं। जो इसके पहले मकबरे, गुम्बद वगैरह बनाए गए थे, वो सब अपनी जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं। एक पहले पीछे गेट हुआ करता था, वो भी आज बदहाली की अवस्था में है। तो हमारे पिंगलगढ़ का इतिहास बहुत पुराना है, बहुत समृद्ध राज्य हुआ करता था, और इस पर कई लोक कथाएं, कुछ कव्वालियां वगैरह भी फेमस थी। तो धीरे धीरे अपना आज स्वरूप होती जा रही है, क्योंकि लोग पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं, पुरानी जो लोक कथाएं चल रही हैं उनको भूल रहे हैं। परंतु फिर भी मैं आज की नौजवान पीढ़ी से बोलना चाहूँगा कि जो कुछ बुजुर्ग पुराने लोग बच गए हैं, उनसे पिंगलगढ़ के इतिहास को जानने की कोशिश करें और इस अपने इतिहास को आगे जिससे ठीक से बढ़ा सकें। तो जो बावड़ी भी वो थी, बहुत ही प्राचीन, और अंदर से जैसे पता लगता है, कुछ लोग बताते हैं वो बावड़ी इतनी गहरी थी, अंदर भी उसमें काफ़ी कंस्ट्रक्शन हुई पड़ी थी, काफ़ी अंदर कमरे वगैरह उसमें बने हुए थे। तो लोग कहते हैं कि जहाँ तक लोग जाते थे उसका कोई एंड नहीं था। एक पीछे रत्ती तालाब के पास में भी एक बताते हैं कि सुरंग थी, वो काफ़ी इतनी बड़ी सुरंग थी कि जिसमें लोग काफी अंदर तक जाते थे, कई कई किलोमीटर की सुरंग बनी पड़ी थी। परंतु ये सब अब बंद कर दिए हैं, कुछ नीचे वो दब गई हैं। तो यदि पुरातत्व विभाग इनकी दोबारा से खोज करना चाहे तो हमें प्राचीन इतिहास के बारे में काफी कुछ जानकारी मिल सकती है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम राजकुमार है, गाँव पिनगवा है। मैं यहीं से ही पैदा हुआ हूँ और यहीं रहता हूँ, माता मंदिर पर। राजा नल ने भी बहुत राज किया है और राजाओं ने भी राज किया है यहाँ पर। जो हमारी बावड़ी धरोहर है, गुमट है, ये हमारे बहुत ही पुरखों के हैं, जो कि इनमें बहुत ही अच्छी सुविधा थी पहले, पर अब इनकी देखरेख कुछ नहीं हो रही है। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि आप इनकी धरोहरों को दोबारा से बनवाया जाए और इनकी देखभाल भी कराई जाए, ये आपसे बहुत ही हमारी गुजारिश है। उसमें यह राजा की जो लड़की थी,
वो मारवन भी आते थे यहाँ पर, हाथी घोड़ा पानी पीने के लिए आते थे, लोग यहाँ पर बावड़ी में नहाते थे। अब इसमें पानी तलक में नहीं है, सूखे पड़े हैं सारे इनमें बहुत। अब ये हमारे जो नए नए तरीका चल रहे हैं, इस तरीका से पिनंगवा गांव नाम रख दिया। पहले था पिंगलगढ़, जो राज बहुत ज्यादा था, यहाँ खाजादे इनका जमाना था पहले। वहां भीतर अपने गांव में भी बहुत हवेली है पुरानी, जिनमें ये अपने खाजादे थे, ये यहाँ से छोड़ करके चले गए। और यहाँ पर बहुत ही बड़ी बड़ी इमारतें हैं जो कि खंडर हुई पड़ी है इस वक्त। जब पिंगलगढ़ के नाम से पिनंगवा जाना था, उस टाइम इनकी सब चीज की रेख देख हो रही, अब इनकी कोई चीज की रेख देख ना हो रही। इधर बावड़ी फेल होगी, जो मकबरा है वह फूट गए, उनकी किसी ने कोई मरम्मत नहीं की, ये फेल हुए पड़े हैं बिल्कुल, इनकी मरम्मत की जाए और ये साफ सफाई करी। हाँ, हो सकती है, इस तरह से हो सकते हैं कि लोग बहुत खुश होंगे इस चीज से कि भाई हमारी चीज की केयर कर रही है सरकार। हाँ बिल्कुल मिलेगी, हमारे बाप दादा की ये बनाई हुई चीज है। और बावड़ी है पानी के लिए बनाई जाती है, पानी में परिंदा भी सारे पानी पीते हैं और पानी की बहुत सुविधा हो जाती है। आज की स्थिति में गंभीर हाल, बुरी हाल।